हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म पावन खिंड को लेकर, जिसे कि रिलीज हुए 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज से 13वें दिन का रन चल रहा है। तो बस जानेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से कि फिल्म पावन खिंड, जो कि एक मराठी लैंग्वेज हिस्टोरिकल पीरियडिकल ड्रामा फिल्म है और बेस्ड है हिंदुस्तान के वीर योद्धा शिवाजी महाराज पर, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब ऐसे में बात करें फिल्म को लेकर, लीडिंग में नजर आ रहे हैं अजय पुरकर, अंकित मोहन और चिन्मय मंडेलकर। डायरेक्शन दिए दिग्पाल लंजेकर ने। फिल्म का बजट महज 10 करोड़ रुपए है और ये फिल्म बैक टू बैक काफ़ी अच्छा कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेटिंग जो कि रखी गई है 9.9। अनबिलीवेबल, हर किसी का बोलते हैं ना, हर कोई हैरान है इसकी रेटिंग जानने के बाद। ऐसे में कलेक्शन की बात आती है तो बात करेंगे कि उस फिल्म ने 12 दिनों में कितना कलेक्शन कर लिया है और 13वें दिन यानी कि आज क्या सर्टेनिटी बनी हुई है इसके कलेक्शन को लेकर, क्या ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है थिएटर्स में। वेल, जो उसका कलेक्शन आया था वो तकरीबन आया था इंडिया नेट से 12 दिनों के अंदर अंदर 19.5 करोड़ प्लस, और वहीं 23 करोड़ के आसपास इसका इंडिया ग्रॉस से जो कलेक्शन है वो हो चुका था। और बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से जो इसका कलेक्शन है मैक्सिमम 25 से 26 करोड़ बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब बात की जाए आज के कलेक्शन को लेकर, यानी कि 13वें दिन के कलेक्शन को लेकर, तो आज थोड़े से हालात बुरे नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसका कलेक्शन है इंडिया नेट से ही जो चल रहा था, यानी कि आपने देखा था कल 1.60 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था जहाँ पर इसने एक ग्रॉस से या नेट से, और वो कलेक्शन आज 80 लाख तक सीमित हो चुका है। यह बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि फिल्म 1 करोड़ के एयरफेयर में कलेक्शन कर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 40% प्लस का ड्रॉप दिखा जा रहा है आज। और क्या होगा ये कलेक्शन, शाम को मिलते हैं जानते हैं, तब बताऊंगा आपको कि क्या कलेक्शन आया है एक बार फिर। वेल, जो कलेक्शन हो चुका है अभी तक वो आपको बता चुका हूँ, उस बेसिस पर ये फिल्म हो रही है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। आपकी ओपिनियन कमेंट में मेंशन कीजिएगा।